मृत्यु सत्य है और शाश्वत है। कोई भी विज्ञान कला या स्थापत्य कला इस विधान को नहीं बदल सकती, लेकिन स्थापत्य कला मृत्यु के प्रति हमारी समझ एवं दृष्टिकोण को प्रभावित अवश्य कर सकती है। मैं आर्किटेक्ट हिमांशु पटेल आज ऐसे ही एक स्थापत्य के विषय में बात करने वाला हूँ, जिसे हमारे फॉर्म D6D डिज़ाइन स्टूडियो द्वारा डिज़ाइन किया गया है। हमारा फॉर्म वर्नैकुलर आर्किटेक्चर के मूल्यों पर आधारित है, जिसके जरिए हम स्थानीय कुदरती मटेरियल्स और मकाने बनाने की परंपरागत तकनीक को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। हमारे क्लाइंट अंधेश्वर महादेव ट्रस्ट भी इन्हीं मूल्यों पर आधारित यह प्रकल्प बनवाना चाहते थे। यह शमशान 2 एकड़ की जमीन पर निर्मित हुआ है। उत्तर एवं पश्चिम दिशा की ओर नगर के रास्ते हैं, दक्षिण दिशा की ओर एक छोटी नदी है। ऊपरी स्तर में सार्वजनिक बाग बगीचे हैं तथा निचले स्तर में मुक्तिधाम का प्रयोजन किया गया है। दोनों ही स्तर एक दूसरे से ढलान युक्त मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसे हमने मुक्ति मार्ग का नाम दिया है। चौक के पश्चिम में स्थित ढलान युक्त मोटर मार्ग मुलाकातियों को पार्किंग स्थल तक ले जाता है। साइट के उत्तरीय छोर पे शिवलिंग की ओर ले जाता हुआ सर्पाकार मार्ग मुक्तिधाम और साइट के बगल में स्थित घरों के बीच एक पर्याप्त दूरी बनाता है। स्थानिकों के रोजिंदा एवं मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए बगीचों का ठिकाना साइट पे मौजूद कुदरती ढलान के अनुरूप तय किया गया है। इसी कुदरती ढलान को साइट के बीच से काट के 5 मीटर चौड़ा और 60 मीटर लंबा रैंप बनाया गया है, जो स्वर्गस्थ के परिवारजनों को निचले स्तर पर भूमिगत मुक्ति धाम तक ले जाता है। रैंप के आसपास की मिट्टी को गिरने से रोकने के लिए स्थानीय कुदरती पत्थरों से बनाई गई दीवारें सुरंग का प्रभाव उत्पन्न करती है। रैंप के आरंभिक हिस्से की दीवारों में निशीष बने हुए हैं। इन्हीं निशीष में विविध साधु संतों की मूर्तियां एवं सुविचार दर्शाए गए हैं, जो व्यस्त के परिवारजनों को शांति और पवित्रता का माहौल प्रदान करते हैं। रैंप के अंत में भगवान शिव की प्रतिमा, जो प्रवेश द्वार से दृष्टिमान नहीं होती, को ऊपर उठी दीवारें और उसके ऊपर लगी छत की सहायता से फ्रेम किया गया है। निचले स्तर पे छुपे हुए प्रांगण अर्थात कोर्ट बाहरी दुनिया से आपके संबंध को नियंत्रित करने में सहाय करते हैं। इसी प्रांगण में षटकोणीय आकार के अग्नि संस्कार कुटीर ऐसे बनाए गए हैं ताकि एक साथ 2 अग्नि संस्कार बिना एक दूसरे को खलेल पहुंचाए हो सके। शमशान संबंधित प्रशासन कार्यालय, प्रार्थना गृह और लकड़ी रखने का गोदाम जमीन के अंदर ऐसे डिजाइन किया गया है कि उनकी छत ऊपरी स्तर पर बने हुए सार्वजनिक बगीचों का हिस्सा बन जाए और ऊपरी स्तर से दिखाई ना दे। इन सभी सुविधाओं को एक चौड़े बरामदे के जरिए उपयोग कर सकते हैं, जो सीधा मुक्तिधाम प्रांगण में खुलता है। इसी बरामदे से निकलती हुई सीढ़ियां परिवारजनों को शीघ्र वापसी के लिए सीधा ऊपरी स्तरीय उद्यान में ले जाती है। स्थानीय कुदरती पत्थरों द्वारा निर्मित दीवारें एवं मिट्टी से बनी छत न केवल सस्ती और टिकाऊ है, बल्कि पूरे वातावरण को नीरवता भी प्रदान करती है। सही मायने में न केवल अमलसाड़ नगर के लिए, बल्कि आसपास के सभी गांवों के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान प्रदान करता हुआ अनोखा शमशान बन जाता है।